इस वीडियो में हम एबॉर्शन के बारे में जानेंगे। एबॉर्शन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहता है फीटल प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, जिसमें उसका वेट 500 ग्राम या उससे कम होता है, जो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता, तो उसको एबॉर्शन के थ्रू एक्सपल आउट किया जाता है बॉडी से, मदर की बॉडी से, जिसमें जो अप्रोक्सीमेटली 22 वीक्स के अंदर एबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। एबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, जिसे मिसकैरेज कहते हैं। अबॉर्शन के टाइप्स, अबॉर्शन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस। स्पॉन्टेनियसली में आइसोलेटेड, रिकरेंट, थ्रिएटेंड, इनवेटेबल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन होते हैं। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन में लीगल, जिसे MTP कहते हैं, और इलीगल में सेप्टिक अबॉर्शन किया जाता है। इंड्यूस्ड मीन्स जो कि एक डॉक्टर द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और स्पॉन्टेनियसली इट मीन्स कि मिसकैरेज कह सकते हैं, मिसकैरेज की तरह ये खुद से होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। नाउ सी दी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन अवर मिस कैरेज इज अ लाइक द बॉडी रीसेट बटन ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स एंड फीटल वेट इज लेस देन 500 ग्राम। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है, जिसे मिस कैरेज कहते हैं। ये एक क्या होता है कि जो मदर की बॉडी रहती है, ये सेल्फ को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो बॉडी है वो किसी तरीके का हार्म ना हो बॉडी को। तो ये मिसकैरेज हो सकता है इस कंडीशन में, अगर बॉडी को फीटस की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान होने के चांसेस हैं, तो मिसकैरेज हो सकते हैं मदर को। आइसोलेटेड अबॉर्शन। आइसोलेटेड अबॉर्शन रेफर टू अ स्पेसिफिक ऑकरेंस ऑफ मिसकैरेज, प्रेगनेंसी लॉस इन अ पर्टिकुलर इवेंट और अ सिचुएशन। मान लो कि किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से स्पेसिफिक टाइम या सिचुएशन में प्रेगनेंसी लॉस हो गया, मिसकैरेज हो गया, इसे आइसोलेटेड अबॉर्शन कहते हैं। ये तब होता है जब मदर को किसी भी तरीके की बीमारी हो या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बना है, तो इस कंडीशन में मिसकैरेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिकरेंट अबॉर्शन या रिपीटेड मिसकैरेज। रिपीटेड मिसकैरेज नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा बार लगातार मिसकैरेज हो जाते हैं, तो ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या वेरियस रीज़न की वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक इश्यूज हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो रिपीटेड मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है थ्रिएटेंट अबॉर्शन। थ्रिएटेड अबॉर्शन एक टर्म होती है जो कि इयरली स्टेज प्रेगनेंसी में लाइटली वेजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्स, एब्डोमिनल पेन होता है, जिसमें कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं जो प्रेगनेंसी रहती है उसको, और देखते हैं कि आगे सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है फीटस। नेक्स्ट है इन्वर्टिबल अबॉर्शन। इन्वर्टिबल अबॉर्शन ऑकर व्हेन अ मिसकैरेज इमिनेंट एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। जो कि मिसकैरेज होता है वो प्रिवेंट नहीं हो सकता है। इसमें सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, लोअर बैक पेन होता है, और रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं शो होते हैं, और ये क्लियर साइन होता है मिसकैरेज का। नेक्स्ट है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं, इंक्लूडिंग द एम्ब्रियो, फीटस एंड द प्लेसेंटा, ये एक्सपल आउट हो जाते हैं यूट्रस से। इसमें किसी भी तरीके की मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, और इसमें जो यूट्रस रहता है वो एम्प्टी हो जाता है, और ये कंप्लीट अबॉर्शन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो भी होल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरी तरीके से एक्सपल आउट नहीं हो पाता है, और इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की नीड होती है। नेक्स्ट है रिटेन अबॉर्शन। रिटेन अबॉर्शन में जो फीटस होता है वो हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर ही डेड हो जाता है और बाहर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी यूट्रस है उसमें पेन क्रिएट होता है और लाइटली वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन फीटस बाहर नहीं आता है, इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की नीड होती है। लीगल एबॉर्शन में MTP परफॉर्म किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक ये थेराप्यूटिक एबॉर्शन होता है, जिसमें कि वेरियस रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ रिस्क, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, मैटरनल एज, फाइनेंस और सोशल रीज़न, रेप केसेस में इस अबॉर्शन को परफॉर्म किया जाता है, जिसे कि MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
सेप्टिक एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन एक इलीगल एबॉर्शन होता है। ये किस कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है? जबकि यूट्रस में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है ड्यूरिंग दी अबॉर्शन एंड आफ्टर अबॉर्शन, या फिर जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकती क्योंकि यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है जिससे कि फीटस को हार्म हो सकता है, तो सेप्टिक अबॉर्शन या इलीगल अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर।